सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भरनेट कैलिपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भरनेट कैलिपर हमारा जो एक प्रिसिशन टूल के टाइप में आता है, एक लीनियर प्रिसिशन टूल में आता है हमारा। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे भरनेट कैलिपर, ये जो हमारा एक प्रिसिशन टाइप में आता है जिसका एक अपना एक्यूरेसी होता है, मैटिक सिस्टम में 0.02 मिलीमीटर और बीटी सिस्टम में हमारा 0.001 इंच। आइए आप इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, किसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, किसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे ये काम लगता है हमारा, हर एक पार्ट हमारा कौन से मेटल का बना होता है। सबसे पहले हम लोग प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं कि प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट हमारा होता क्या है। प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र है जिसमें हमारा एक मेजरमेंट का एक एक्यूरेसी होता है, जो नॉर्मल जैसा कि हम लोग स्टील रूल जनरल पर्पज से हम लोग यूज करते हैं, जो स्टील रूल आप लोग जनरल पर्पज में देखे होंगे, जिसका एक अपने एक एक्यूरेसी होता है, मिनिमम जो लीस्ट काउंट होता है इसका मिनिमम मेजरमेंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो ये जो स्टील रूल हमारे पास है एक प्रकार का एक ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ठीक है, जिसका एक जिससे हम लोग मिनिमम मेजरमेंट ओनली 1 मिलीमीटर ले पाएंगे। लेकिन हमारे पास जो भरनेट कैलिपर है जो एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के टाइप में आता है, इसका जो एक्यूरेसी है इस स्टील रूल से बहुत ज्यादा हमारा है। इसका एक एक्यूरेसी मैटिक सिस्टम में 0.02 मिलीमीटर हमारा है। आइए हम लोग देखते हैं भरनेट कैलिपर के बारे में कुछ जानकारी। तो भरनेट कैलिपर हमारा है क्या? भरनेट कैलिपर हमारा एक टाइप का लीनियर प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट हमारा। अब लीनियर प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है? तो मेजरमेंट का हमारा जो जो सिस्टम है बहुत सारा है, जैसे एंगुलर है, लीनियर है। तो लीनियर मेजरमेंट इसे कहते हैं हम लोग, जब भी मेजरमेंट हम लोग किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो ये मेजरमेंट जो हमारा ये लीनियर मेजरमेंट का हमारा आता है। लीनियर मेजरमेंट भी बोल सकते हैं, लेंथ मेजरमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये हमारा जो भरनेट कैलिपर जो है वो मैट्रिक सिस्टम है जिसका एक एक्यूरेसी है 0.02 मिलीमीटर और बीटी सिस्टम में 0.001 इंच हमारा। अब इसके पार्ट्स के बारे में आते हैं हम लोग, पार्ट्स के बारे में एक एक देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि पार्ट्स यहाँ पर नाम आप देख पा रहे हैं, क्योंकि डायग्राम मैं आपको पार्ट्स एक एक करके डिस्कस करूंगा और एक एक पार्ट्स आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आता है फिक्स जॉ हमारा, फिक्स जॉ। तो फिक्स जॉ हमारा कौन सा पार्ट है? जो पार्ट हमारा जो है भरनेट कैलिपर का फिक्स रहता है हमारा, जैसे ये पार्ट आप देख पा रहे हो फिक्स जॉ, फिक्स जॉ हमारा ये पार्ट हमारा फिक्स जॉ है। और दूसरा जो पार्ट है हमारा मूवल जॉ, आप देख पा रहे हैं दूसरा हमारा जो है मूवल जॉ, ये पार्ट जो हमारा मूव कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मूवल जॉ हमारा। थर्ड नंबर पार्ट जो हमारा बीम, बीम किसे बोलेंगे हम लोग? जिसमें हमारा भरनेट कैलिपर का जो स्केल ग्रेजुएशन किया हुआ है मैट्रिक्स एमएम मिलीमीटर और इंच का हमारा किया हुआ है, इसको हम लोग बीम और स्केल और रूल भी बोल सकते हैं हम लोग। चार नंबर पार्ट जो हमारा जो है वो डेप बार है, डेप बार, डेप बार ये जो आप छोटा सा एक रॉड जैसा आप देख पा रहे हो, स्ट्रिप जैसा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डेप बार, जिसके द्वारा हम लोग वो डेप मेजरमेंट करते हैं। और फिफ्थ नंबर जो पार्ट है लॉकिंग, अब लॉकिंग स्क्रू आता है, तो लॉकिंग स्क्रू का यहाँ पे क्या काम है हमारा जो है? लॉकिंग स्क्रू रीडिंग को लॉक करने की जरूरत है। ऊपर में एक तरफ देख पा रहे हो आप दो लॉकिंग स्क्रू लगे हुए हैं हमारा, इसका काम ही हमारा रीडिंग को, रीडिंग लेने के बाद रीडिंग को लॉक करना हमारा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हम कहाँ पे देख पा रहे हैं? ये नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, एक सर्कुलर जैसे जिसमें नर्लिंग किया हुआ हुआ हमारा, ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इसका क्या काम है हमारा? इसका काम है हमारा रीडिंग को एक फाइन एडजस्टमेंट करना, कहीं हमारा रीडिंग कभी कभी उस कंडीशन में हमारा उसको एडजस्टमेंट करना होता है रीडिंग को, तो ये हमारा ये पार्ट है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हमारा काम देता है हमारा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग थंब लीवर, थंब लीवर। जब भी हम लोग भरनेट कैलिपर को एक पकड़ने का एक प्रोसेस है, होल्डिंग करने का एक प्रोसेस है, तो जब भी हम लोग भरनेट कैलिपर को होल्ड करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो थंब पोर्शन है, हमारा जो हाथ का जो थंब पोर्शन है, ये थंब पोर्शन जो हमारा जो है ये यहाँ पे एक आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हमारा थंब लीवर हमारा, क्योंकि इसी पोर्शन पे हम अपने अंगूठे को हाथ दे करके स्लाइड करते हैं, इसीलिए इस पोर्शन का नाम पड़ा हमारा थंब लीवर। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखते हैं हम लोग
यूं तो हमारा वर्नियर कैलिपर जो है वो एक प्रकार का पीसन इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमारा पीसन इंस्ट्रूमेंट में एक से ज्यादा स्केल पाए जाएंगे, एक से ज्यादा स्केल पाए जाएंगे, इसलिए इसमें एक मेन स्केल भी पाया जा रहा है, एक वर्नियर स्केल भी पाया जा रहा है। अब मेन स्केल हमारा कहाँ पाया जाता है, तो मेन स्केल आप जैसा कि देख पा रही है बीम जो हमारा जो स्केल जो है बीम में, इसमें हमारा मेन स्केल मिलीमीटर का और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हमारा मिलीमीटर का और ऊपर की तरफ हमारा इंच का पाया जा रहा है। अब आइए हम लोग इसका इसके पार्ट्स के इसके स्केल का जो ग्रेजुएशन होता है, ये स्केल का ग्रेजुएशन कैसे किया जाता है हमारा, जिसको हम लोग लीस्ट काउंट के नाम से पुकारते हैं, मतलब इसका लीस्ट काउंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं या इसका स्केल ग्रेजुएशन कैसे होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर जो हमारा जो है वो कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो वर्नियर कैलिपर जो हमारा जो है वो वर्नियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वर्नियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब ये वर्नियर प्रिंसिपल है क्या हमारा, वर्नियर प्रिंसिपल कहता है कि हमारा एक फिक्स डिस्टेंस को हम कोई एक फिक्स डिस्टेंस को जिस भी इक्वल डिविजन में हम डिवाइड करेंगे हम वही हमारा वर्नियर प्रिंसिपल हमारा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक वन मिलीमीटर डिस्टेंस को 50 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया हमने, एक वन मिलीमीटर डिस्टेंस को मैंने क्या किया 50 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया, तो इसका एक भाग जो कहलाया हमारा 0.02 मिलीमीटर, तो यही हमारा वर्नियर प्रिंसिपल वर्नियर का प्रिंसिपल कहता है। यहाँ पे हम क्या इस स्केल में वर्नियर कैलिपर में क्या किया गया, एक वन मिलीमीटर डिस्टेंस को 50 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया। अब हम लोग स्केल का ग्रेजुएशन देख लेते हैं कि कैसे हमारा स्केल का ग्रेजुएशन वर्नियर कैलिपर में किया गया, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो है वर्नियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसीलिए इसमें ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब जैसा कि स्केल का ग्रेजुएशन हम जब देखते हैं तो वर्नियर कैलिपर में कैसे दिखाई देता है, सबसे पहले हम मैट्रिक सिस्टम का ही वर्नियर कैलिपर का ग्रेजुएशन देख लेते हैं। ये हमारा ऊपर की तरफ जो हुआ ये मेन स्केल डिवीजन हमारा हुआ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MSD से हम लोग डिनोट करते हैं मेन स्केल डिवीजन, और नीचे की तरफ जो हमारा डिवीजन मिलता है हमारा वो VSD, तो ये हमारा मेन स्केल का जीरो डिवीजन हमारा हो गया और ये वर्नियर स्केल का जीरो डिवीजन हमारा। मेन स्केल में टोटल यहाँ पे जीरो से लेकर टोटल 50 घर हमारे इनग्रेड किए होते हैं, ग्रेजुएशन किए रहते हैं, और ये यहाँ पे जब वर्नियर का डिवीजन जब हमारा ग्रेजुएशन होता है तो ये मेन स्केल के 49 घर के बराबर 49 घर के बराबर। अब इसको एज्यूम कर लीजिए मैंने पूरा टोटल 50 घर को ड्रॉ नहीं किया हूँ, आप टोटल जीरो से 50 तक यहाँ पे काउंटिंग एज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पे हमारा जो मेन स्केल का ये 49 डिवीजन जो है ये वर्नियर का 50 डिवीजन के बराबर है। जीरो से वन हमारा मेन स्केल का, क्योंकि मेन स्केल का हमारा एक डिवीजन का वैल्यू जो होता है वो 1 मिलीमीटर वाला होता है, और इसी तरह सेम हमारा जब हम 49 डिवीजन जो है वर्नियर का डिवीजन के साथ हमारा मैच रहता है हमारा, तो ये हमारा 49 मिलीमीटर के बराबर है, और 50 डिवीजन जब वर्नियर का जो है वो 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हमारा यहाँ पे मैच रहता है हमारा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया वर्नियर प्रिंसिपल में हमारा क्या था कि एक मिलीमीटर डिवीजन को हमारा 50 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया था, तो यहाँ भी सेम वही प्रिंसिपल को वर्नियर के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। क्या हुआ है यहाँ पे 1 मिलीमीटर, ये जो 1 मिलीमीटर इसको मैंने जूम करके यहाँ पे आप डायग्राम में दिखा रहा हूं,
ये जो 1 मिलीमीटर डिवीजन हमारा जो है, इसी 1 मिलीमीटर डिवीजन को हमारा, इसी 1 मिलीमीटर डिवीजन को यहां पे नीचे की तरफ बॉटम पोर्शन में वर्नियर स्केल का डिवीजन को, वर्नियर स्केल का 50 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया। क्या किया गया? ये छोटा सा मेन स्केल का 1 मिलीमीटर डिवीजन को वर्नियर स्केल का 50 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया। अब हमारा क्या पे, यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ेगा, हमारा क्या कैलकुलेशन होगा, फार्मूला के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 49 घन के बराबर है हमारा। अब अगर हमारे एक वर्नियर स्केल डिवीजन अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे तो ये 49/50 डिवीजन के बराबर होगा। 1 BHD = 50 49/50 BHD। सिर्फ अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू हमारा 1 मिलीमीटर है। इसी तरह हम ये प्रोसेस से हम लोग लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा है वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस वैल्यू ऑफ 1 BHD। यहाँ पे हमने कितना फाइंड आउट किया, यहाँ पे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे हम मेन स्केल का 1 मिलीमीटर हमारा वैल्यू यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मूला के हिसाब से फाइंड आउट किए, 1 BHD का वैल्यू है 49/50। इसको फाइंड आउट करेंगे हम तो ये हमारा जो है 1 - 49/50 50 - 49 तो यहाँ पे 1/50 जब डिवीजन करेंगे तो 0.02 मिलीमीटर हमारा कैलकुलेशन आएगा, जो एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारा। इसी तरह हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करते हैं इसके स्केल के ग्रेजुएशन के डिवीजन के हिसाब से। अच्छा, मैं जो अभी जो डिवीजन आपको दिखाया हूँ, यहाँ पे लीस्ट काउंट का जो कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ये देखने में वर्नियर कैलिपर में सेम ऐसे ही पाया जाता है। कैसे? क्योंकि जब भी वर्नियर का मेन स्केल का 0 डिवीजन को और वर्नियर डिवीजन का 0 डिवीजन को जब मैच कराऊंगा तो ये दोनों आपस में हमारा ऐसे ही मैच करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 डिवीजन और मेन स्केल का 0 डिवीजन जो है वो दोनों आपस से मैच है हमारा 0। और यहाँ पे जो मेन स्केल का हमारा 49 डिवीजन जो है वो वर्नियर का 50 इक्वल डिवीजन के बराबर है। इसी तरह हमारा ये प्रूफ होता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारा, इसी तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब होता है हमारा किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो सबसे मिनिमम मेजरमेंट हम लोग करते हैं, इसी को लीस्ट काउंट बोला जाता है। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट हमारा क्या हो रहा है, 0.02 मिलीमीटर।